तो दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन को लेकर अब एक काफी इम्पोर्टेंट काम हो रहा है और वो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का। ये सबसे बड़ा काम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी टॉपिक के बारे में और साथ ही मैं दो सबसे इम्पोर्टेंट मेजर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और बताऊंगा जो हमने अभी जैपनीज एजेंसी के साथ साइन किया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहां पर बहुत ही स्मूथली हमें टेक्नोलॉजी मिलने जा रही है। फाइनली बुलेट ट्रेन की वीडियो डेफिनेटली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार होगी, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन के काम को और तेजी लाने के लिए यहाँ पर रिसेंटली दो सबसे बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जापानीज एजेंसी के साथ साइन किए हैं। किस तरह के बुलेट ट्रेन के ट्रैक बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, इन सब की जानकारी मिलेगी। रोलिंग स्टॉक, फिर सावरवती डिपोर्ट कैसे बनना है, इंस्पेक्शन मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, ये पूरा काम, ये पूरा जितना भी है सब कुछ इस पैकेज में इन्वॉल्व है। और ये रिसेंटली हमने 31 अगस्त को ही साइन किया था। 65 जापानीज एक्सपर्ट की टीम यहाँ पर पूरी शामिल होगी जो हमारी भारतीय इंडियन इंजीनियर्स को सिखाएगी कि किस तरह से रोलिंग स्टॉक और बाकी के ट्रैक सुपरविजन का काम करना है। एक तरह से पूरा हमें ट्रांसफर किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अब यहाँ पर शुरू होने वाला है। फिर जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है हमने साइन किया था, यहाँ पर रोलिंग स्टॉक और जनरल इंस्पेक्शन कैसे करना है बुलेट ट्रेन का, ये सब बताया जाएगा। ओवरऑल हमारे भारतीय इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की टीम को पूरी तरह से हाई स्पीड ट्रेन के ऑपरेशन की किस तरह से मेंटेन करना है और कैसे कंसल्ट करना है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। फाइनली यहाँ पर मित्सुबिशी प्रिसिशन कंपनी लिमिटेड के साथ हमने साइन किया है, जहाँ डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, फिर ट्रेन सिमुलेशन, जहाँ पर हमारे नए ड्राइवर को सिखाया जाता है कि कैसे बुलेट ट्रेन चलाना है, इसकी ट्रेनिंग कैसे करनी है और कैसे बनाना है, ये पूरा सिमुलेशन ये सब भी बताया जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर पूरी तरह से लीगल तरीके से हमें टेक्नोलॉजी मिल रही है, ना कि चाइना की तरह जिन्होंने छीन ली थी टेक्नोलॉजी। बिकॉज काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चाइना ने जापान की टेक्नोलॉजी चुराई है और उसके बाद इन्होंने इतनी ज़्यादा एडवांस कर दी कि जापान से भी अब इनकी बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी थोड़ी ज़्यादा एडवांस है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।